देखिए ये डीजल इंजन का, ये डीजल इंजन है, इसको डिसअसेंबल करके हम लोग रखे हैं सारा पार्ट्स को, ठीक है। तो ये डीजल इंजन का जितना पार्ट्स है सबको एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे, सबका नाम बताएंगे आप लोगों को, नाम और उसका यूज भी बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे क्या है, वाटर पंप है। वाटर पंप का काम क्या है, कूलेंट को सक करना, सक करके कहाँ पे भेजना, इंजन का पूरा पैसेज में भेजना, ठीक है। ये क्या है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का क्या काम है, जो भी कंबसन चैम्बर में कंबस्ट गैस है उसको एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू हम लोग कहाँ भेजते हैं, साइलेंसर में भेजते हैं, ठीक है। ये क्या है, गैसकिट है। गैसकिट का यूज क्यों करते हैं, ताकि लीकेज को, ऑयल का लीकेज को या वाटर के लीकेज को, या जिसको बोलते हैं कूलेंट, कूलेंट का लीकेज को रोकने के लिए हम लोग ये गैसकिट का यूज इंजन में करते हैं, ठीक है। ये क्या है जी, ऑयल सम्प है और ऑयल पंप भी है, इसको ऑयल सम्प या ऑयल पैन भी बोलते हैं। यह एक तरह का मोबिल का रिजर्वायर है, ऑयल का रिजर्वायर है। इसमें क्या करते हैं, हम लोग ऑयल को स्टोर करके रखते हैं, ताकि हम लोग यहाँ से जो भी ऑयल है उसको ऑयल पंप के थ्रू सक करके इंजन में पूरा सप्लाई करें, सर्कुलेट करवाएं, ठीक है। ये क्या है, पूरा फ्यूल पंप है। फ्यूल पंप में ये फ्यूल पंप में हाई प्रेशर पंप है। ये किससे जुड़ा हुआ है, इंजेक्टर से। यहाँ इसके थ्रू क्या करते हैं, फ्यूल पंप के थ्रू हम लोग जो भी फ्यूल है उसको सक करते हैं, फ्यूल टैंक से सक करने के बाद ये वो प्रेशर के साथ उसको इंजेक्टर में भेजता है, और ये फाइनली इंजेक्टर क्या करता है, फ्यूल को इंजेक्ट करता है कहाँ पे, कंबसन चैम्बर में, ठीक है। ये क्या है, ऑयल फिल्टर है। इसका काम क्या है, छोटे छोटे कणों, जो भी ऑयल में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल है उसको छानना, ठीक है। ये अल्टरनेटर है जी। अल्टरनेटर का काम क्या है, बैटरी को चार्ज करना, ठीक है। उसके बाद ये इधर देखिए, ये तीन को जो पार्ट दिख रहा होगा, ये पूरा ये बेल्ट टेंशनर, ये बेल्ट टेंशनर इसको बोलते हैं। इसका काम है, ये जो चेन दिख रहा है आप लोगों को, इसको टाइट करके रखना, ठीक है। क्योंकि अगर ढीला रहेगा इंजन में, अगर बेल्ट ढीला रहेगा तो क्या होगा, आवाज करेगा, ठीक है, पावर लॉस होगा, इससे क्या होगा, इंजन का इफिशियंसी घटेगा, ठीक है। इधर देखिए ये क्या है, ये टाइमिंग गियर है, ये दोनों टाइमिंग गियर है और ये टाइमिंग चेन है। इससे हम लोग क्या करते हैं, क्रैंकशाफ्ट का पावर को क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं इसमें, उसके बाद इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, टाइमिंग को मिलाते हैं। ये क्या है, स्टर्नर है। स्टर्नर का काम क्या है, जो मोबिल में जो बड़ा बड़ा डस्ट पार्टिकल है उसको छानना, ठीक है। ये क्या है, पुश रॉड है। पुश रॉड का काम है, जो भी पावर कैंपशाफ्ट में आया वो कैंपशाफ्ट का पावर को हम लोग कहाँ, इसके थ्रू भेजते हैं, रोकर पोस्ट में। ये पूरा असेंबली दिख रहा है, ये पूरा असेंबली को हम लोग, ये पूरा असेंबली सिलेंडर हेड में होता है। ये पूरा असेंबली में देखिए, यहाँ पे रोकर पोस्ट है। रोकर पोस्ट ये है, ये वाला चीज रोकर पोस्ट, ये रोकर आर्म, ठीक है। और यहाँ पे एडजस्टर, ये क्लियरेंस एडजस्टर है वाल्व का। और यहाँ पे रोकर शाफ्ट है, बीच वाला जो है रोकर शाफ्ट, ये रोकर स्प्रिंग, और तो कुछ नहीं है। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वाल्व को ऑपरेट करते हैं, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। ये देखिए सिलेंडर हेड है, पूरा सिलेंडर हेड में यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है। इसी सिलेंडर हेड में यहाँ पे, इधर दिखाइए थोड़ा सा, हाँ, ये चीज जो दिख रहा होगा आप लोग को, इसका हीटर प्लग नाम है। हीटर प्लग का काम है इंजन को वर्किंग टेम्परेचर में लाना। ठंडे जगह में क्या होता है कि कभी कभी इंजन ज्यादा ठंडा हो जाता है, उस समय इंजन स्टार्ट नहीं होता है। उस केस में क्या करते हैं, हम लोग बैटरी के थ्रू इससे हीटर प्लग के मदद से क्या करते हैं, इंजन को गर्म कर देते हैं। इससे क्या होता है, इंजन एक बार में मेरा क्रैंक हो जाता है और एक बार में स्टार्ट ले लेता है, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, ये वाटर पैसेज का कवर है। इसके वजह से इसका यूज करते हैं, ताकि इसका यूज हम लोग सिलेंडर ब्लॉक में करते हैं इसमें, ताकि वाटर जो है वहां से लीक ना करे, ठीक है। ये चीज जो दिख रहे हैं, दिखाइए थोड़ा सा, हाँ, ये वाला जो चीज को हम बोलते हैं फ्रंट ऑयल सील। फ्रंट ऑयल सील मतलब ये सिलेंडर ब्लॉक का फ्रंट साइड लगाते हैं, ताकि ऑयल जो इसके अंदर है और कूलेंट जो इसके अंदर मूव कर रहा है वो बाहर लीकेज ना करे, ठीक है। ये दिखाइए यहाँ पे, ये पूरा असेंबली को क्या बोलते हैं, ये पूरा क्लच असेंबली है। क्लच असेंबली में यहाँ पे फ्रिक्शन प्लेट है, फ्रिक्शन प्लेट, इसके नीचे प्रेशर प्लेट है, और ये प्रेशर प्लेट के पीछे जो दिख रहा होगा वो प्रेशर प्लेट कवर है, ठीक है। क्लच का काम क्या है, पावर को इंगेज और डिसइंगेज करना, ये ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये पूरा चीज को बोलते हैं क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट एक रोटेटरी डिवाइस है, रोटेटरी पार्ट है इंजन का, है ना। इसी से हम लोग क्या करते हैं, पावर को व्हील तक ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर देखिए, ये पिस्टन है। पिस्टन का काम क्या है, लीनियर मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करना। और पिस्टन में ये चीज जो दिख रहा है आप लोग को, ये कनेक्टिंग रॉड है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज दिख रहा होगा आप लोग को, तो दिखाइए इसको,
इसमें इस तरह से रहेगा ये। इसका काम है, इसका नाम है ऑयल पंप। इसका इसका काम है, ये ऑयल को सक करता है, ऑयल सम से इस जगह पे जो ऑयल रहता है उसको सक करके स्टर्नर के थ्रू इसको पूरा ऑयल पैसेज में भेजता है, ठीक है। उसके बाद ये है डीप स्टिक। डीप स्टिक का काम है, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो ऑयल का लेवल को मापते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखाइए ये वाला चीज को, ये वाला पूरा पार्ट को बोलते हैं कैमशाफ्ट। कैमशाफ्ट में यहाँ कैम दिख रहा है, ये कैम का काम क्या है, वाल्व को ऑपरेट करना, रोकर आर्म को ऑपरेट करना। ये रोकर आर्म को पुश करता है तो रोकर आर्म वाल्व को खोलता है और बंद करता है, ठीक है। ये चीज क्या है, फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील का काम सबको पता है, फ्लाईव्हील एक्स्ट्रा पावर, इंजन का एक्स्ट्रा पावर को स्टोर करके रखता है और जब इंजन को जरूरत पड़ता है तो उसको वापस रिलीज करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेन जनरल सेल बियरिंग है, ये मेन जनरल सेल बियरिंग कैप है ये, और इसी के सारा मेन जनरल सेल बियरिंग कैप में सेल बियरिंग लगा हुआ है सब में, तो इसको बोलते हैं मेन जनरल सेल बियरिंग कैप, सॉरी मेन जनरल सेल बियरिंग, और इसको मेन जनरल सेल बियरिंग कैप, ठीक है। इधर देखिए ये वाला जो चीज दिख रहा है, ये पिस्टन का लोअर कैप है और इसमें भी सब में एक सेल बियरिंग लगा हुआ है अंदर में। इसके बाद ये पुश रोड का बेस है, इसके ये आठ है, आठों में एकक सब में पुश रोड लगा हुआ रहेगा, ठीक है। और ये चीज कनेक्ट किससे रहेगा, कैमशाफ्ट यहाँ से। उसके बाद ये क्या है, इनलेट, इनलेट मैनिफोल्ड। इसके थ्रू ये चूंकि डीजल इंजन है तो डीजल इंजन में इसके थ्रू क्या होगा, एयर इनलेट मैनिफोल्ड में से होते हुए कंबसन चैम्बर में आएगा, क्लियर है। उसके बाद ये चीज, जो ये चीज दिखाइए, ये इसको इनलेट मैनिफोल्ड के जो नीचे है ये पूरा पार्ट्स को बोलते हैं रियर ऑयल सील। इसका काम है, जिस तरह से हम लोग फ्रंट व्हील फ्रंट ऑयल सील यूज करते हैं, उस तरह से रियर ऑयल सील यूज करते हैं, पीछे से कोई कूलेंट या ऑयल लीक ना कर जाए इसी के लिए इसका यूज करते हैं, क्लियर है। और ये फाइनली क्या है, सिलेंडर ब्लॉक, और सिलेंडर ब्लॉक में ही हम लोग क्रैंकशाफ्ट लगाते हैं, कैमशाफ्ट, क्योंकि ये पुराना इंजन है तो पुराना इंजन में कैमशाफ्ट जो है ये कैमशाफ्ट यहीं पे लगेगा, और नया इंजन में क्या हो रहा है, कैमशाफ्ट सिलेंडर हेड में लग रहा है, ठीक है। और ये वाला चीज को टैपेट कवर करते हैं, कहते हैं इसको हम लोग सिलेंडर हेड कवर के भी नाम से जानते हैं। ये चीज सिलेंडर हेड का ऊपर में लगा होता है, इसी में फिलर कैप है, फिलर कैप के थ्रू क्या करते हैं हम लोग मोबिल को इंजन के अंदर डालते हैं, और वो फाइनली जाके कहाँ कलेक्ट होता है, ऑयल सम, ठीक है। Hi guys, thank you for watching this video. If you like this video, please like and subscribe my channel.